और सब तो पहला जदों असीं देखते हैं कि जे ओरिजिनेशन की गल करिए इस सूफिज़म बेसिकली जितों इस्लाम पैदा होया तो दैट मीनस कि अरब के वाले इलाके दे विच उत्थे ही सूफिज़म भी पैदा होया। अरब के नाल नाल परशिया जिहड़ा कि अज्ज दा ईरान है उन्हें इलाकों के शुरुआत जी कहने कि सूफिज़म की हुई। कदों एग्जैक्टली शुरू होया ये बारे किसी ने कोई जानकारी है ना कोई यदि एग्जैक्ट डेट जानता है ना कोई दस सकता है। लैंग्वेज भी जी सी शुरू के अरेबिक परशियन लैंग्वेज जी सी वरती गई। शुरू के अरेबिक या परशियन सूफी संत हुए ने उन्हां बारे भी कोई बहुत ज़्यादा सानू जानने की जरूरत नहीं। बट वी कैन से के एक ईरान दे विच देर वॉज रूमी एट वॉज अराउंड 1207। उस तो पहला अली अबी ताबिला हसन अल बस एंड रबी अल अदवाइया एंड बायजद बस्तानी यह कुछ सूफी संत हुए ने पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जी सी नहीं मिलती और कोई बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती। पर यह कह सकते हैं कि सन 1000 तक जिहड़ा सूफी लिटरेचर से काफ़ी ज़्यादा डिवेलप हो चुका सी। और असी जो देखते हैं कि हिंदुस्तान दे विच पहला और खास तौर पर पंजाब दे विच विच वॉज़ द फर्स्ट सूफी संत तो उहदे विच असी देखते हैं कि अल हजवारी वॉज़ द फर्स्ट सूफी जिहड़ा कि लाहौर दे विच सन 1031 दे विच आए और तकरीबन 1070 तक वह इस इलाके रहे। पर इन्हां दी सारी जिहड़ी लिखत है वह परशियन दे विच है। पर इस तो बाद जिहड़े मेन पंजाब दे विच असी कह सकते हैं कि सूफी संत होए उन्हां दा नाम असी मन के चलते हैं शेख फरीद ने। शेख फरीद नूं यह भी कहा जाता है कि फर्स्ट पंजाबी पोइट भी कहा जाता है। बेन एक गल होर, हिंदू धर्म दे विच धर्म ब्राह्मणा दे कंट्रोल दे विच सी। छोटियां जातां नूं ना तां इन्हां नूं सुनन दी इजाजत सी, ना कोई हो रिलीजियस टैक्सट पढ़ सकदे सी, ना उन्हां नूं पढ़ाने की कोई इजाजत सी। असी महाभारत भी देखते हैं कि एकलव्य क्योंकि छोटी जात बिलोंग करता सीगा, ही वॉज़ नॉट एक्सैप्टिड एज ए डिसाइपल। परमा पांडवा के गुरु सके उन्होंने एज ए डिसाइपल भी एक्सैप्ट नहीं किया और क्योंकि वह तीरअंदाजी दे विच अर्जुन का मुकाबला कर रहा सीगा, ईवन उस तो गुरु दक्षिणा दे विच उहदा अंगूठा भी लै लिता गया सी। दैट मीनस छोटिया जातों धर्म कर्म के नेड़े भी आन नहीं दिता जाता जदों कि इस्लाम के नाल लैके चलन की ताकीद सी। दूसरी गल होर, जिन्ना साडा हिंदू धर्म का लिटरेचर सी धर्म सी दैट वॉज इन संस्कृत लैंगुएज दे विच सी और संस्कृत लैंगुएज जिहड़ी सी सिर्फ इहदा कंट्रोल ब्राह्मणा दे कोल सीगा, ब्राह्मण दे कोल सीगा। आम लोकां दे विच इस लैंगुएज की कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं सी। ईवन मुस्लिम रिलीजन ये भी असीं कहिंदे आ कि इह अरेबिक दे विच सीगा या हैब्रियो दे विच कहिंदे आ कि पुरानी जिहड़ी सी दैट वॉज इन द हैब्रियो। बट शेख फरीद और जिन्हें उस तो बाद सूफी संत इत्थे आए उन्होंने लोकल लैंगुएज अडोप्ट की। जे मैं थानू दस रहा सीगा कि शेख फरीद ही इज़ द फर्स्ट पंजाबी पोइट और उन्होंने लोकल लैंगुएज अडोप्ट की। उस तो बाद जिन्हें होर पंजाब दे विच सूफी संत आए उन्हां बारे आपां अगे गल करदे हां, उन्होंने भी पंजाबी लैंगुएज अडोप्ट की। और जिहड़े सूफी संत तकरीबन पंजाब तो अगे होर अगे चले गए, खास तौर पर आप जिक्र करते हैं इतने निज़ामुद्दीन औलिया और शेख फरीद भी उन्होंने ही शागिर्द सीगे, फिर चिश्तीस ये भी इन्होंने। सो इन्होंने जिहड़ा एक ऑर्डर क्रिएट किया जिन्हों के चिश्ती ऑर्डर भी कहा जाता है और शेख फरीद भी चिश्ती ऑर्डर नू बिलोंग करते। निज़ामुद्दीन ने इन्होंने हिंदावी या खड़ी बोली कह सकते हैं जिहड़ी कि इन्हों भी कहा जाता है कि दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ उर्दू ऑलसो। सो दैट मीनस के लोकल लैंगुएज का इस्तेमाल शुरू होया और उस दे नाल आम लोगों के विच के ओह की अपना मैसेज देना चाहते हैं वो चीज़ दे नाल लोकी जुड़ने भी शुरू हो गए। सो दैट इज़ हाउ इट ऑल जिहड़ा सीगा सूफी धर्म हिंदुस्तान दे विच फैलना शुरू होया। हुण आपां जे आपां अगे अगे चल के देखिए इहनूं कि सूफीज़ दा रोल की रहा, जिवें तुहानूं गल कर रहा कि सूफीज़ क्योंकि वह लोकल लैंगुएज गल करते सके और जिन्हें सूफी सके देवर लर्नड पीपल। नाउ वंस अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड देवर और हाईली लर्नड पीपल, इंटलैक्चुअल्स, फिलोसफर्स। और जो कोई फिलोसफर इंटलैक्चुअल एक जगह के उत्ते खड़ा होंगे तो लोग वो जुड़ने शुरू हो जाते। एंड मेन इंपॉर्टेंट गल की है देवर
poets of very high level. Bahut high level the poet bhi sikhe. So that means they were able to convey their message in a musical format also, in local language also. Aur ek high level de utte jadon oh gal karde sikhe, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਰਨਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਨੇ ਕਿ ਵਰਡ ਸੂਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਓ ਡਡ ਦ ਵਰਡ ਸੂਫੀ, ਇਹਦੀ ਓਰੀਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੋਂ ਸੂਫੀ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਰੇਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤਜ਼ਫਫ, ਓਕੇ, ਦੈਟ ਉਹ ਸੂਫੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੂਫੀ ਵਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸੂਫੀ ਵਰਡ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੂਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰੇਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉੱਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਓ ਕਿ ਸੂਫੀ ਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾ ਸੂਫੀ ਸੰਤ, ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਬੇਸਿਕ ਸੂਫੀ ਵੀ ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮੈਸੰਜਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਸਾਫਾ। ਸਾਫਾ ਇਜ਼ ਜਾਂ ਸਫਾ ਪਿਓਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਵਰਡ ਹੋਵੇ। ਸੂਫਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਲਰਨਡ ਪੀਪਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੂਫੀ ਵਰਡ ਉੱਥੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੂਫਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੂਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਰੀਜਿਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ ਸੂਫੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੂਫੀ ਸੰਤਸ ਨਾਓ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਵੱਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੂਫੀ ਆਰਡਰਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਲਰਨਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਖਾਨਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਅ ਹੋਲੀ ਪਲੇਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਰਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਇੰਗ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਸ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਲੀ, ਨਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਸ ਯੂਜ ਫੋਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਹ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਸੇਂਜਰ ਸੀਗੇ, ਨਬੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਦੇ ਆਰ ਨਬੀਸ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਨਕਾ ਕੀ ਵਰਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਜਾਂ ਪੀਰ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ
खानकाह कहा गया। उन्होंने जिहड़े शागिर्द होए उन्हां नूं मुरीद कहा गया। और अपने तो बाद हर पीर मुरशद ने अपना एक सक्सेसर अपॉइंट किया, उन्हों की कहा गया, उन्हों खलीफा कहा गया। ठीक है, सो असी देखते हैं पीर मुरशद मुरीद ते खलीफा। ठीक है, सो क्वेश्चन की हो सकता है कि जिहड़े द परसनस हू आर द डिसाइपल्स, डिसाइपल्स नूं की कहा जाता सी, उन्होंने मुरीद कहा जाता सी, उन्होंने पीर कहा जाता सी, शेख कहा जाता सी, खलीफा कहा जाता सी। सो आंसर की बनेगा, साडा मुरीद बनेगा। ओह पर द परसन हू वॉज द मास्टर ऑफ द खानका, उन्हों की कहा जाता सीगा, उन्हों पीर कहा जाता सीगा या शेख कहा जाता सीगा या दोनों नामों नाल बुलाया जाता सीगा या दोनों चो किसी नाम नाल नहीं बुलाया नहीं सी जाता, इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है। उस परसन नूं जिन्हों के शेख ने या पीर ने अपना सक्सेसर अपॉइंट कर दिता होवे उन्हों की कहा जाएगा। ठीक है, इस तरीके दे वर्ड, उन्हों वली कहा जाएगा, नबी कहा जाएगा, खलीफा कहा जाएगा या उन्हों सिलसिला कहा जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चन फिर एग्जाम दे एम सी क्यू बन के आ सकते हैं। सो दैट मीनस वी कैन हैव एम सी क्यूज लाइक दिस ऑलसो, जिम्मे थोड़े ना उन्होंने दो एम सी क्यू डिस्कस किए ने। हाँ जी, सो हर सूफी का अपना अपना तौर तरीका और वो अपने कानून, वो अपने कानून की कि जड़े लोग उत्थे इनवेट्स, दैट मीनस के जड़े खानकाह दे विच उहदे चेले उहदे शागिर्द रहिंदे ने उहनां दा मास्टर नाल की रिलेशन होएगा, उहनां दा आपस की रिलेशनशिप होएगा, और ले परसनस दा जिहड़े के लोग बाहर ने, दैट मीनस शागिर्द नहीं पर अपने खानकाह तो बाहर ने, उहनां दा मुरीदा नाल की रिलेशनशिप होएगा और उहनां दा मास्टर नाल या शेख या पीर मुर्शिद नाल की रिलेशनशिप होएगा। सो दैट इज वो सारिया चीज़ा वह पीर या मुर्शिद से डिसाइड करता सीगा ना, क्योंकि उन्होंने अपना एक सिस्टम बन गया, जिवें थोड़े ना पहला गल की उस चीज़ में असं की कहें एक ऑर्डर कह दें या उसमें एक सिलसिला कह दें, जिवें निजामुद्दीन औलिया, दैट मीनस वो एक चिश्ती ऑर्डर बन गया, दैट्स ए चिश्ती ऑर्डर बन गया। सो चिश्ती ऑर्डर के देर आर नंबर ऑफ वी कैन फाइंड सूफीज जो अलग अलग जगह के उत्ते जाके अपना पैगाम दिता। हाँ जी, सो सिलसिला से किनू कह देंगे, सिलसिले द चेन बिटवीन मास्टर एंड द डिसाइपल एंड अनब्रोकन चेन, दैट मीनस कि जिम्मे आप गल की कि एक ऑर्डर बन गया, इट्स ए अनब्रोकन चेन के अज निजामुद्दीन औलिया ने उन्हों तो बाद उन्होंने शागिर्द वह जोड़े से उत्थे खलीफा बन गए। सो दैट इज़ हाउ यह एक पूरी की पूरी चेन बन गई और उस चेन में की कहा जाता, उन्होंने सिलसिला कहा जाता है। ओके, एंड इट यूज़ टू बी अनब्रोकन गायनियोलॉजी टू प्रॉफिट मुहम्मद। ना सानू यह भी समझने की जरूरत हैगी है कि बेसिकली जिन्हें भी सूफी संत हुए ने दे ऑल हैव ट्राइड टू रिलेट दैमसेल्व टू द टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद या टू द प्रॉफिट मुहम्मद हिमसेल्फ, कि किसी ना किसी तरीके नाल उन्हां दे नाल या उन्हां दे सिलसिले दे विच या उन्हां दे ऑर्डर दे विच अपने आप नूं असीं उन्हां दे नाल रिलेशनशिप है। सो जिवें मैं तुहानूं गल कर रहा सी कि हर सूफी दे या हर एक खानकाह दे विच हर सूफी संत दे अपने अपने कानून सीगे और उन्हां दे अपने एक हुंदे सी ओथ ऑफ एलिजियंस के जिहड़ा मुरीद है उहदी ही यूज़ टू टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस के ही मैं थोड़ा शागिर्द हाँ। कपड़े सिगे पैश्ड गारमेंट, बेसिकली असं ये देखते हैं कि सूफी संत कोई बहुत महीन या बहुत बहुत वधिया कपड़े नहीं सी पाते, दे यूज टू वीयर के जो फटे हुए कपड़े या फटे पुराने कपड़े या टाकियाँ लगाए हुए कपड़े, दे यूज टू वीयर और अपना जो सिर सिगा वह शेप। सो इस तरह के जो सके उन्होंने अपने कानून बन जाते हैं। हुण होर चीज़ां आपां नाल इत्थे समझ लईए, जिवें आपां गल कर रहे टर्म्स दी, मैं इत्थे थोड़े नाल गल कर रहा कि टर्म्स रिलेटिड ने, आपां टर्म देखिए इत्थे खानकाह देखी, आपां शेख देखिया, पीर देखिया, मुरीद देखिया, मुर्शिद देखिया, दैन वी ऑलसो अंडरस्टूड सिलसिला वर्ड आपां ने यूज़ किया। जदों किसी सूफी संत की अकाल चलाना कर जांदा सी, मौत हो जाती सी, तो वह उन्हां दा जिथे उस जगह नूं असीं मज़ार कह दिंदे आ या कबर नहीं कहिंदे, उस जगह का कोई पवित्र नाम रख दिता जाता है, क्योंकि यह जी ग्रेव है या कबर है एक बहुत पहुँचे हुए इंसान की कबर है। सो दैट मीनस उस जगह नूं असी एक चंगा नाम दिता गया, उन्होंने कहा गया दरगाह,
मज़ार वर्ड भी कई जगह देते यूज होंगे ठीक है। मज़ार जी सी वह भी पीर की मज़ार जी सी वह भी मनी जाती है। दरगाह दरगाह का मतलब बेसिकली होंगे कचहरी, बेसिकली ये मान के चलते हैं कि जिमें वह वो कचहरी हो गई। ये चीज़ होर समझ की जरूरत है। यह मनिया जाता है कि जो किसी की मौत हो गई तो वह रब दे होर नेड़े हो गया, रब दे होर नेड़े हो गया। जे असी उसनू हुण कोई इल्तजा करांगे, अपील करांगे, तो दैट मीनस ही इज़ इन ए पोजिशन टू गैट अस दैट पर्टिकुलर थिंग ऑलसो, कि वह साड़ी सुन के रब दे कोल अरजोई करेगा और सानू उस चीज़ नू पाण विच भी होर वह मदद करेगा। सो दैट मीनस सानू ये चीज़ देखने को मिलती है कि सूफी संतां दे नाल नाल दो चीज़ां होर क्रिएट हुई हैं। एक तो असी कहने असैटिसिजम और दूसरा है मिस्टिसिजम। असैटिसिजम की हो गया, सन्यासी जिन्हें भी सूफी संत होए उन्होंने अपने आप को दुनियावी चीज़ों तो दूर रखिया, पैसे तो मटीरियलिज्म तो दूर रखिया। इस्लाम धर्म का डायरैक्ट रिलेशनशिप राजपाठ नाल है। हज़रत मुहम्मद ने भी जदों वह मक्के तो मदीने पहुँचे, और मक्के तो क्यों जाना पिया क्योंकि उत्थे दे लोकल पॉपुलेशन वह अपने लोकल देवी देवत्या च बिलीव करती सी। उत्थों जदों मदीने गए दैन ही वॉज एबल टू कन्विंस द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया एंड दे हज़रत मुहम्मद दे शागिर्द बन गए। और जदों शागिर्द बन गए दैन 630 ईस्वी दे विच मदीना तो फिर मुहम्मद साहब ने मक्का दे उत्ते अटैक किया और अटैक करके उस इलाके नूं जितया। और ये कहा जाता है कि उस जगह दे उत्ते जिन्नियां भी मूर्तियां सी उन्हां सब नूं उन्होंने खंडन किया, उन्हां नूं तोड़िया। क्यों? क्योंकि इस्लाम दे विच बुत पूजा हराम है। दैट इज़ वट आई इज़ टॉकिंग टू यू अबाउट, कि इस्लाम धर्म दे नाल नाल राजसी ताकत जिहड़ी सी वह भी आई और प्रॉफिट मुहम्मद दे नाल भी राजसी ताकत जिहड़ी सी वह एसोशिएटिड सी। पर सूफीज़ ए सन्यासी सी। और असी यह भी देखते हैं कि इस्लाम धर्म दे विच किसी ने भी कोई राजा बनना है और इस्लामिक राजा है दैन यूज टू ए काइंड ऑफ सेंक्शन फ्रॉम द खलीफा, जिहड़ा कि प्रॉफिट मुहम्मद तो बाद जिन्हें भी खलीफे हुए उन्होंने तो वह एक तरह की सेंशन लेंदे सीगे। अपने धर्म हिंदू धर्म च भी देखते हैं कि ब्राह्मण राजे दे सिर दे उत्ते टिक्का लाउंदा, क्रिश्चियनिटी दे विच भी पोप उस चीज़ नूं ऑर्डेन करता है कि येस यू आर द किंग, ठीक है। सो सिमिलरली मुस्लिम धर्म दे विच या इस्लाम दे विच भी जिन्हें राजे महाराजे होए या असी सुल्तान कहने होए दे यूज टू गैट ए काइंड ऑफ एक धार्मिक सेंक्शन फ्रॉम द खलीफास। दोनों का आपस के क्लोज रिलेशनशिप। सूफीज़ उन्होंने अपने आप को राजपाठ तो दूर रखिया, पैसे तो दूर रखिया, राजसी ठाठ बाट तो अपने आप को अलग रखिया हो। दैट इज़ वाई दे बिकेम पॉपुलर विद द लोकल पॉपुलेशन ऑलसो। सो असी यह भी कह सकते हैं कि जिन्हें सूफी संत ने उन्होंने असी अपने फकीरां दे नाल कंपेयर कर सकते हैं, अपने साधुओं नाल कंपेयर कर सकते हैं, या भगती मार्ग दा इस्लामिक तरीका भी कह सकते हैं। असी यह भी कह सकते हैं कि भगती मार्ग का इस्लामिक तरीका है। असी यह भी मान के चलते हैं कि भगती मार्ग बेसिकली हिंदुस्तान दे विच कोई 7वीं-8वीं ईस्वी दे विच शुरू होया, जिहदे नाल के सारे हिंदुस्तान दे विच हिंदू धर्म जिहड़ा सीगा वह फैलना शुरू होया। सो जिवें मैं तुहानू हुणे गल कर रहा सीगा कि यह इस्लामी तरीका है भगती मार्ग का, उसनों असी सूफीज़म भी कह सकते हैं। हुण मैं तुहाडे नाल गल कर रहा सी कि असैटिसिज़म और मिस्टिसिज़म। मिस्टिसिज़म की चीज़ है, दैट इज़ आप कह सकते हैं कि रूहानी शक्तियाँ। रूहानी शक्तियाँ के नाल नाल असी जो वर्ड यूज़ करते हैं चमत्कार, या वह शक्तियाँ जिन्हां नाल के चमत्कार हो सकता है। नाउ बेसिकली इंसान बहुत कमज़ोर है
और उसनों चाहिदा किया, उन्होंने चमत्कार चाहिदा कि मेरा आ वाला काम हो जाए तो मेरा ये काम हो जाए, तो जरा मैं रब जरा मेरे ते उसकी दया हो गई है, मेरे उत्ते कोई फजल हो गया, मेरे उत्ते नज़र पै गई है। और मैं थोड़े नाल गल कर रहा दरगाह बारे गल कर रहा सीगा, तो दरगाह की गल करते करते ये सारी चीज़ें क्यों थोड़े नाल डिस्कस कर रहे हैं कि यह मनिया गया कि जिन्हें सूफी संत या कोई वड्डा आदमी उसकी मौत हो गई तो वह रब दे होर नेड़े हो गया, और दरगाह की बन गई, दरगाह बन गई वो जगह जिथे लोग आके अरजोई करते सी, अरदास करते सी कि यह पीर यह पैगंबर साड़ी रब दे कोल जी सी यह दुआ कर दे कि मैनू यह चीज़ प्राप्त हो जाए, विआह शादियाँ या होर कोई चंगे काम कर रहे हों, लोग आके उत्थे दुआ करते सीगे और अपनी मन्नता मनते सीगे। असी कई जगह के उत्ते जाके देखते हैं मन्नता मनन के 100 तरीके ने, कोई धागे पाँदा, कोई कुछ करता है, देर आर डिफरेंट वेज जिस तरीके नाल के मन्नता मनिया जांदियां ने। सो इन्हां चीज़ां करके सीगा यह सूफी संत आम कट्टरवादी इस्लाम तो अलग हो गए, पर इन्हां ने इस्लाम धर्म की सेवा इस तरीके नाल की कि इस्लाम नू आम लोगों के फैलाउन दे विच बहुत मदद की। और जे मैं थोड़े नाल गल कर रहा सीगा कि दे हैड द पावर कि उन्हां कोल रब की बरकत सीगी कि वह करामातां कर सकते सी, ठीक है, एंड देवर ऑलसो नोन एज फ्रेंड ऑफ गॉड, उन्होंने हूँ वली कहा जाता सीगा। वली का मतलब की होया कि वह रब दे सब तो नज़दीकी दोस्त ने, फ्रेंड ऑफ गॉड। दीज आर अ फ्यू टर्म्स विच आर एसोशिएटेड विद सूफिज़म, कुछ थोड़ियाँ ज़्यादा हो गई ने पर मन लगता कि थानू इन बारे पता होना चाहिए। सूफी कवियां ने इलाही मुहब्बत नू इंसानी दीवानगी नाल किस खूबसूरती दे नाल आपस जोड़िया है, ये तुसीं अमीर खुसरो दे एक छोटे जिहे कलाम तो समझ सकते हो, जिहदा कि एक छोटा जिहा क्लिप मैं थोड़े नाल साझा कर रहा। अमीर खुसरो नू तोता हिंद भी कहा जाता है। जी क्वेश्चन जिहड़े कि आपां कहिंदे आ कि एग्जाम दे विच कुछ बन जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आपां डिस्कस करते हैं, उस तो बाद विच होर देखांगे क्वेश्चन की बनते हैं। जिवें कि कह सकते हैं कि वो जगह जिस जगह के उत्ते पीर ते मुर्शिद दा ठिकाणा हुंदा सी और उत्थे बैठ के वह लोगों नू सिख्यावां दिंदे सीगे, उन्हूं की कहा जाता सीगा, दरगाह मज़ार मकबरा खानका, बेसिकली उन्हूं खानका कहा जाता सीगा। और जिस जगह पर उन्होंने दफनाया जाता सीगा उस जगह नू की कहा जाता सी, उन्हूं दरगाह कहा जाता सी। और दरगाह का दूजा मतलब की हुंदा है, दैट इज़ कचहरी हुंदा है, कि वह जिवें जज की कचहरी होवे। सो नैक्सट लैट अस हैव अ लुक के असी देखिए वाई डू पीपल यूज टू पे विजिट टू दरगाह, टू सीक ब्लैसिंग्स, बिलीव दैट इन डैथ द सेंट्स वर यूनाइटेड विद गॉड, नाइदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। सो इसका जवाब की बनेगा, बोथ ए एंड बी। द सूफी सेंट एंड लीडर हु प्रेज्ड एंड टॉट वॉज नोन एज मुरीद, खलीफा, पीर, नन ऑफ दीज, तो उन्होंने की कहा जाता से, उन्होंने पीर कहा जाता सी। हुण असी सानू ये भी सानू पता होना चाहिए कि देखो जिमें मैं थानू गल कर रहा कि सूफीज किन्ने अलग अलग सूफीज होए ने, उन्होंने बारे आप डिटेल गल करते हैं, पर हर सूफी का अपना अपना कोई फलसफा होगा, अपनी अपनी कोई उन्होंने फिलोसफी होएगी। कुछ एक सूफी संत वह ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ सके, कुछ एक सूफी संत वो सिर्फ यही मान के चलते सके कि जो कुरान के लिखे है उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, दैट मीनस कि वह बिल्कुल एज पर कुरानिक एक्टिविटीज चलना चाहते थे। तो इस तरीके नाल दो तरह के सूफी ऑर्डर क्रिएट होए, ऑर्डर क्रिएटिव, और उन्होंने की कहा जाता सीगा कि जेडे तो बिल्कुल एज पर इस्लाम चलते सके तो उन्होंने तो कहा जाता सी बाशरा। देखिए जी बाशरा का मतलब क्या है, मुताबिक, बा का मतलब क्या है, मुताबिक, शरा मतलब शरीयत, बेशरा, ठीक है जी, जिमें आप किसी कहते कि तेन शर्म नहीं आती, बेशरम, ठीक है जी, बेशरा का मतलब की होया जो वह हो शरीयत तो दूर होवे, जिन्हों जड़ा कि इस्लामिक लॉ नू फॉलो ना करता होवे। सो इस तरीके नाल जिमें कलंदर हो गए, मदारिस हो गए, मलंग हो गए, ये दीज आर डिफरेंट ऑर्डर, ये भी डिफरेंट ऑर्डरस ने जेडे कि सूफी ऑर्डरस ने। ना कलंदर बेसिकली असं मन के चलते हैं कि पानीपत के होए ने, और तुसी गाना बहुत मशहूर सुनिया होना हो, दमा दम मस्त कलंदर, बेसिकली दैट इज़ इन द प्रेज ऑफ सूफी संत कलंदर।
ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਰ ਆਲਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਟੂ ਦਾ ਟੂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਰਾ ਐਂਡ ਬੇਸ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਅਡੋਪਟਡ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਵੀ ਮਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੈਟ ਵੀ ਕੋਰਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਪਰਸ਼ੀਅਨ। ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 5000 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ, 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਰ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਫੀਜ਼ ਦੇ ਅਡੋਪਟਡ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਸੀਗੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਉਹ? ਕੁਤਬਦੀਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦਾ ਇਸਨੂੰ, ਇਹ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਖਾਕੀ। ਕੁਛ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਖਾਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਕਾਲ ਇਟ? ਯੈਸ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ, ਹੀ ਗੋਟ ਕੰਸਟਰਕਟਿਡ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਇਨ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਖਾਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਪੱਟਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਾਈ ਓਨਲੀ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਆਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਹਿੰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਤਾਰ, ਤਬਲਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਰੇਬਿਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਿੰਦਾਵੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਿੰਦਾਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਉਰਦੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਹਾਲ ਮਿਸਕੀ ਮਕੂਂ ਤਵਾਫ ਦੁਰਾਏ ਨੈਨਾ ਬਨਾਏ ਬਤੀਆ। ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸੂਫੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਰਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਯਾ ਸੀੜੀ ਮਾਨਾ। ਜਨੂਨ ਕੇ ਤਸੱਵਰ ਕੋ ਦੁੱਖ ਔਰ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਕਤੀ ਮਾਰਗ ਕਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਜੈਸਾ ਹਮੇਂ ਖੁਸਰੋ ਕੀ ਫਾਰਸੀ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੇਂ ਦਿਖਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਕੁੰਦ ਲਾਗ ਦੁਆ
ਸੀ।